आप देख रहे हैं दखल न्यूज। स्वच्छता में इंदौर फिर नंबर वन, उज्जैन, देवास और अंबिकापुर भी टॉप 10 में, भोपाल का पत्ता घटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, विपक्ष मोदी को हटाना चाहता है और मोदी आतंकवाद को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत नाजुक, बेटी ने कहा नहीं हो रहा ठीक से इलाज। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 160 रुपए बोनस देने का फैसला किया। और कांग्रेस राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने भी मांगे मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इंदौर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है और इसी के साथ उसने स्वच्छता की हैट्रिक लगा ली है। इस लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ का अंबिकापुर रहा, वहीं कर्नाटक के मैसूर को तीसरा स्थान मिला है। चौथे नंबर पर जहां उज्जैन है, वहीं पांचवें नंबर पर राजधानी दिल्ली का नाम है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में सर्वे में अग्रणी रहे चुनिंदा शहरों के प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद विजेता शहरों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद का नाम सबसे पहले नंबर पर है। वहीं रायपुर का नाम तेजी से बढ़ने वाले शहर की लिस्ट में पहले नंबर पर है। 3 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन का नाम सबसे ऊपर है। वहीं 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में राजधानी दिल्ली टॉप पर है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में इंदौर पहले, अंबिकापुर दूसरे और मैसूर तीसरे, उज्जैन चौथे और दिल्ली पांचवें नंबर पर रहा। इस सूची में मध्य प्रदेश का देवास 10वें नंबर पर रहा। लगभग 1,20,000 शौचालयों की व्यवस्था के साथ साथ कूड़ा कचरा लगातार साफ करने के लिए जो कार्य वहां किया गया है उसे अनेक देशों में सराहा जा रहा है। प्रयाग कुंभ के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है। देश के अन्य भागों में विभिन्न किस्म के त्यौहार और मेले आयोजित होते हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के प्रयाग कुंभ से सीख लेकर ऐसे बड़े समारोहों के आयोजकगण स्वच्छता पर अधिक ध्यान देंगे और प्रभावी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपने अध्ययन में ये पाया है कि भारत में स्वच्छता अभियान के परिणाम स्वरूप नागरिकों का बीमारियों से बचाव हो रहा है। प्रथम आने पर जब इंदौर को पुरस्कृत किया गया तो इंदौर की महापौर मालिनी गौड़, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। इस बार शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 4,237 शहरों में स्वच्छता सर्वे किया है। इतने शहरों में टॉप 10 शहर का चयन मंत्रालय के लिए भी बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि मेरे पास 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कलबुर्गी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जहां उन्होंने सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया, वहीं विपक्षी दलों और राज्य सरकारों पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। वहीं उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। यहां के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि के लिए सूची केंद्र सरकार को अभी तक नहीं भेजी है, जबकि देश भर के किसानों को इसकी पहली किस्त मिल चुकी है। स्वतंत्र सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ सहित यहां से संबंधित सभी तमाम महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं।
जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कलबुर्गी के अनेक कर्मठ कार्यकर्ता दिए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आदर। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से भी मिलने का मौका मिला। यह योजना वास्तव में गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने कलबुर्गी में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। पीएम मोदी ने इस दौरान स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और परिवहन क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत काफी गंभीर है। बेटी मरियम नवाज ने कहा कि उनके पिता की जान को खतरा है। मरियम ने यह भी कहा कि शरीफ को पिछले सप्ताह एंजाइना के 4 अटैक पड़ चुके हैं। शरीफ अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में कोट लखपत जेल में दिसंबर 2018 से 7 साल की सजा काट रहे हैं शरीफ। डॉन अखबार की खबर के अनुसार मरियम ने जेल में अपने पिता से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और सरकार द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर असंवेदनशीलता और लापरवाही हैरान करने वाली है। मेरा परिवार और मैं उनकी सेहत के प्रति गंभीर जोखिम को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। उनकी हालत दर्दनाक है। नवाज की हालत के लिए उन्होंने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, जब उन्हें कई दिन तक अस्पताल में रखा गया तब भी उन्हें कोई इलाज नहीं दिया गया। अपने पिता की स्वास्थ्य के लिए फिक्र जताते हुए नवाज शरीफ की बेटी ने अपने पिता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। पनामा पेपर्स लीक में नाम आने से कोर्ट ने नवाज शरीफ को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार कर दे दिया था। फिर 2018 के चुनाव में इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की सरकार बनी थी और इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 160 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। कमलनाथ कैबिनेट के बाद कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि अब तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। आचार संहिता के बाद पूरे 55 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 160 रुपए बोनस देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि प्रति क्विंटल सोयाबीन पर केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए आने बाकी हैं। केंद्र सरकार से यह राशि जल्द देने की मांग करेंगे। मक्का पर 250 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे। हमारी इस बैठक में क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में हमारे जो गेहूं उत्पादक जो किसान है उनकी संख्या एक बड़ी संख्या हमारे बीच में है और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन तमाम किसानों को ध्यान में रखते हुए गेहूं की जो उपज है उस उपज पर 160 रुपए बोनस देने का फैसला हमारी सरकार ने लिया। इसके साथ साथ जो हमारी मक्का है उस मक्के के ऊपर जो है 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है हमारे किसानों को उस पे भी जो है बोनस देने का काम, प्रोत्साहन राशि देने का काम जो है हमारी सरकार करने वाली है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, हमने सभी वादे पूरे किए हैं। कैबिनेट में राघोगढ़ में शुगर मिल चलाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इंदौर में केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सीएम के निर्देश दिए हैं कि जहां जहां के लोग शहीद हुए हैं मध्य प्रदेश में वहां स्मारक बनाए जाएंगे। कृषि किसानों के संबंध में क्योंकि शुरू से ही आज है 5 मार्च और जैसा कि पहले ही बताया गया था कि आज 25 लाख किसानों के अकाउंट में आज तक पैसे उनके अकाउंट में है जिनका जय किसान ऋण माफी योजना के तहत आज की तारीख तक पहुंच गए हैं और आचार संहिता लग जाने के बाद मैं समझता हूं कि ये शायद रुके लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बचे हुए जो 55 लाख किसान टोटल जो होना है उन तक भी ये जाएंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं,
पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। यह कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार यह भी बताए कि पुलवामा हमले में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, जबकि चप्पे चप्पे पर पहरा था। दिग्विजय सिंह के बाद अब उनके मंत्रिमंडल में कभी साथी रहे राजमणि पटेल ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बड़े हमलों की सूरत में हमेशा से ही तबाही के सबूत और तस्वीरें सामने आती रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी स्थितियों में आतंकी बंकरों की तबाही और मारे गए आतंकियों की लाशें दिखाई आती हैं, लेकिन इस बार की एयर स्ट्राइक में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। अभी तक जितने सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, बड़े से बड़े हमले हुए हैं, एक एक का आप सब लोगों ने देखा होगा कि कभी माने जहां सर्जिकल स्ट्राइक होती है वहां का पूरा पिक्चर माने पब्लिश होता है कि वहां कितने बंकरों को दिखाया जाता है कि बंकर टूट रहा है, इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, इतने आतंकवादियों को मारा गया है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सेना का काम नहीं है, ये जो प्रपोगेट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि एक भी कहीं कोई घटना होती उसका पूरा पिक्चर दिखाया जाता था। इसमें कुछ नहीं दिखाया कितने मारे गए। अमित शाह का बयान आता है कि 250 मारे गए और तीसरा बयान आता है कि 350 मारे गए। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो है हमारी मानसिकता को संदेह के दायरे में लाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, गाड़ी लेकर के इतना बड़ा आरडीएक्स बस में लेकर के कोई व्यक्ति चला जाता है वहाँ जहाँ एक चप्पे चप्पे पे सारे चीज़ों की तलाशी होती है, वो कैसे लेकर के चला गया, किस तरह से ऐसी घटना हो गई। राजमणि पटेल ने आतंकियों की मौत के आंकड़ों पर भाजपा अध्यक्ष के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी राम का इस्तेमाल 5 साल में एक बार चुनाव के समय करती है और बाकी दिनों में सिर्फ राम के नाम का व्यापार करती है। भोपाल में कार पार्क करने को लेकर हुई बहस में ट्रैफिक पुलिस के 4 जवानों ने एक व्यापारी से मारपीट कर दी। इससे नाराज व्यापारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एएसपी ट्रैफिक ने 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया। ओल्ड सैफिया कॉलेज रोड पर कॉरपोरेट व्यापारी नासिर खान की दुकान के सामने किसी ने कार पार्क कर दी। इससे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने नासिर से कहा कि तुम लोगों के कारण सड़क पर पार्किंग होती है। इस बात पर नासिर और पुलिसकर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। नासिर की पिटाई से नाराज व्यापारी इस घटना के विरोध में धरने पर बैठ गए। इसी बीच इस घटना का वीडियो वायरल हो गया तो एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने आरोपी पुलिसकर्मियों दिनेश, ब्रजकिशोर, कौशल और रंजीत को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने ओपन जेल कॉलोनी का उद्घाटन किया और इस मौके पर सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह, सांसद आलोक संजर भी मौजूद थे। इस ओपन जेल कॉलोनी में अभी 9 परिवार रहेंगे।
ओपन जेल कॉलोनी का उद्घाटन गृह मंत्री बाला बच्चन ने किया। इस ओपन जेल कॉलोनी में अभी 9 परिवार रहेंगे, यहां कैदी परिवार के साथ रहेंगे। इधर लोक अभियोजन विभाग के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि लोक अभियोजन अधिकारियों द्वारा सही तरीके से पैरवी कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तबादलों को लेकर गृह मंत्री ने कहा, जहां जरूरत है वहां तबादले किए जा रहे हैं, ट्रांसफर पहले भी होते थे, यह सब प्रशासनिक कसावट के लिए है। वन विभाग की लापरवाही के चलते एक घायल हिरण ने तड़फ तड़फ कर दम तोड़ दिया। पानी की तलाश में जंगल से भटककर शहर की तरफ आए हिरण को कुत्तों ने घायल कर दिया था। कुछ लोगों ने कुत्तों से हिरण को बचाया और वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन वन विभाग के लोग नहीं आए और हिरण की मौत हो गई। प्यास के चलते पानी की तलाश में एक हिरण भटक कर जबलपुर के आर्मी बॉयज कंपनी की तरफ आ गया। कुत्तों के एक झुंड ने हिरण को घेर कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने हिरण को कुत्तों से घिरा देखा तो पत्थर मार मार कर कुत्तों को भगा दिया। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस और वन विभाग को दी, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस तो आ गई मगर वन विभाग से कोई नहीं आया और हिरण ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हिरण का सर ये कहीं से आया हुआ है और बिछड़ के कुछ सवन लोगों ने पकड़ लिया है और ख़त्म हो गया है। हमने इन्फॉर्म कर दिया था भारत के वन विभाग को और पुलिस चौकी में। ये एक और 1:30 बजे की बात है, कोई नहीं आया है साहब। पुलिस आ गई है, भूरा बाजार पुलिस चौकी आके गए हैं वन अधिकारी। अब ये कैसा हुआ, पानी की तलाश में आया है और सवन लोग इसको खदेड़े टकराया है। कई बार सूचना देने के बाद जब वन विभाग की टीम नहीं आई तो मृत हिरण की कुत्तों से देखभाल करने के लिए स्थानीय लोग आगे आए और पत्थर मार मार कर कुत्तों को भगाते रहे। यह आर्मी का एरिया होने के चलते स्थानीय लोग अंदर नहीं जा सकते थे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साधु बासवानी कॉलेज में प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने पुरस्कृत किया। संत हिरदाराम नगर की साधु बासवानी कॉलेज में प्रतिभा अलंकरण समारोह में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिस्टर राधेश्याम जहर को दिया गया। कार्यक्रम सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह और सिंधी सेंट्रल पंचायत के भगवान देव इसरानी मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके साथ ही साथ यहाँ के जो छात्र हैं उनको एनसीसी का डिसिप्लिन बने,
वार्षिक वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस तरह भी ये मनाया जा रहा है और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मंत्री सामान्य प्रशासन एवं श्री इसरानी जी आ रहे हैं तथा उनमें श्री नरेश ज्ञान चंदानी जी विशेष अतिथि हैं और ये कार्यक्रम हर तरह इस तरह से मनाया जा रहा है। कितने बच्चों को? करीब करीब 80 बच्चों को प्राइज दिए गए हैं और सबसे बेस्ट स्टूडेंट को भी प्राइज दिया गया है जिनको 5,000 रुपए का प्राइज और ट्रॉफी दी गई है। आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में शिक्षा की दर भले ही कम हो लेकिन भोले भाले ग्रामीणों में हुनर की कोई कमी नहीं है। उनकी सोच भी सामाजिक है। जब शहरों में तकनीकी शिक्षा पाने के लिए युवाओं को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ऐसे में ग्राम भुरसुंदी की एक निरक्षर आदिवासी दंपति युवाओं को मुफ्त में मोटर मैकेनिक बना रहा है। इस दंपति के सिखाए 50 से ज्यादा युवा आज रोजगार कर अपने पैरों पर खड़े हैं। इतना ही नहीं, आज यहाँ उच्च शिक्षित परिवारों में बेटियों को लेकर रूढ़िवादी सोच से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। वहीं यह दंपति बड़ी बेटी को पॉलिटेक्निक करा रहा है। आसपास के गांव वाले इनके घर को मुफ्त वाला आईटीआई कहते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बस्तर ब्लॉक के ग्राम भुरसुंडी निवासी सोनूराम बघेल और उनकी पत्नी रूंजी बाई के हुनर की सभी दाद देते हैं। उनका हुनर ही है कि पूरे बस्तर ब्लॉक के लोग मोटर पंप सुधरवा आने के लिए उनके पास आते हैं। ये ग्रामीणों की स्थिति देखकर मेहनताना लेते हैं। किसानों पर इस दंपति की उंगलियां किसी मैकेनिक इंजीनियर से कम नहीं दौड़ती। सोनूराम कहते हैं कि गांव के पढ़े लिखे युवक युवतियों को बेरोजगार देखकर बहुत तकलीफ होती है। सोचा कि क्यों ना अपना हुनर इन्हें भी सिखाया जाए। एक शुरुआत हुई और आज भुरसुंडी समेत आसपास के गांव के सैकड़ों युवा उन्हें गुरु के रूप में पूछते हैं। सोनूराम कहते हैं कि जब भी खबर मिलती है कि उनके सिखाए किसी लड़के ने अपनी दुकान शुरू की है, यूं लगता है जिंदगी में कुछ तो किया। फिल्म सत्यमेव जयते में बदले का गदर मचा चुके जॉन अब्राहम अब रॉ में नजर आएंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को रॉबी गरेवाल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर उस समय जारी किया गया जब पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जैश के अड्डे का सफाया कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहानी रॉ एजेंसी की नहीं बल्कि 3 अलग अलग नामों की है। रॉ का मतलब रोमियो, अकबर, वाल्टर है। इस फिल्म को रॉबी गरेवाल ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने मेरा पहला पहला प्यार है और आलू चाट जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। ये देशभक्ति की सच्ची कहानी है जिसमें जॉन 26 साल के युवक से लेकर 85 साल के बूढ़े का रोल करेंगे और उन्होंने इस दौरान करीब 28 लुक बदले हैं। ट्रेलर में उनके इन्हीं लुक्स को दिखाया गया है। We are on the verge of a war with Pakistan. एक आम इंसान को खास बना देना, अपनों को उनकी औकात दिखा देना, जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना चाहता हूँ जिससे हिंदुस्तान का आने वाला कल बदल सकता है। कहानी देशभक्ति से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घटित हुई थी। जॉन के अलावा फिल्म में मौनी राय, जैकी श्रॉफ, सुचिता कृष्णमूर्ति और सिकंदर खेर हैं। फिल्म को गुजरात, नेपाल और कश्मीर में शूट किया गया है। रॉ का ट्रेलर जैकी श्रॉफ के वॉइस ओवर के साथ शुरू होता है जो जॉन के खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाना चाहते हैं। फिल्म में जमकर एक्शन है और एयर स्ट्राइक है। जॉन की एक फिल्म बाटला हाउस इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे हर रोज की तरह आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और मेरे को गर्मी में बहुत ठंड लगती है इसलिए टोपी लगा लेता हूँ, बता रही हूँ। और भैया देश में बहुत चाँचू मछली है, कल्लन मियाँ या जरा इनके सबके मुँह में बिरयानी डालो, थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। मेरे खाने ने पका दिए नेताओं ने, बता रहा हूँ, बहुत दर्द हो रही है। एक उमदा खबर बता रही हूँ, ये नितिन गडकरी है ना जो क्या कह रहे हैं पेशाब से है ना यूरिया बनाएंगे, वो बता रहा हूँ इतना देश में उत्पादन होगा यूरिया का, विदेशों में भी सप्लाई करेंगे बता रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बता रहा हूँ। लोग क्या है बोटलें ले लेके जाएंगे बाथरूम में, सबके बाथरूम में बोटलें भरी पड़ेंगी मिलेंगी, फ्री का पैसा किसको बेकार लगता है बता रही हूँ। वो बता रहे हैं सुलभ शौचालय में जाएंगे लोग, वो कहेगा भाई ऐसे मत करो बोटल में करो,
वही पैसे भी मिलेंगे बता रहे हूँ। ये होने वाले हैं बता, इतना बढ़िया न्यूज है। और ये खबर, ये केजरीवाल है ना, इनको क्या है, ये कह रहा है मोदी है ना बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इन्होंने ना ये अपने लोकसभा कैंडिडेट इन्होंने ही तो डिक्लेयर किए, तो बूथ किसको, बूथ की चिंता किसको पड़ी है, इन्हें वो पड़ी है। और बता रहे हो हमारा जो मिल्क बूथ है ना बहुत मजबूत है, मिल्क बूथ पे श्रीखंड मिलता है, रबड़ी मिलती है, पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, हम तो खा के ये मजबूत हो गए, बता रहे हो हमारा बूथ बहुत मजबूत है। हाँ वो बता रहे हो ये एयर स्ट्राइक पर तो ऐसा अमृत मंथन चल रहा है देश में, वो ये एयर स्ट्राइक को लेके है ना लोग सबूत मांग रहे हैं, ये जो सबूत मांग रहे हैं जो नेता बता रहे हैं, कोई कह रहा है पेड़ पे गिरा दिए, पहाड़ों पे गिरा दिए, बता रहा हूँ ये सिद्धू विद्धू है, बता रही हूँ इनको तो क्या करना चाहिए, मिराज से बांध के ले जाओ और इनके गले में एक टांग दो वो मोबाइल, तो रिकॉर्डिंग करके है ना खुद ही ले आएंगे, तब इनको सबूत मिलेंगे बता रहे हूँ ये। और वो अमित शाह हैं वो भी है, वो भी काम नहीं है, वो कह रहे हैं 250 लोगों को मारा, आज तुम कहते क्या आप देखने हैं, वो बता रहा हूँ अगर राजनीति भी करनी है तो बहुमत के लिए 272 चाहिए सीटें, 272 बोलो ना, ये तो चल रहा है बता रहे हूँ, लगे हुए हैं अमृत मंथन करने। वो बता रही है पाकिस्तान से खबर आ रही है इन्होंने 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और मैं कह रही हूँ ये अब कहाँ से आ गए इनके पास, ये बहुत कहते थे ना हमारे पास नहीं है हमारे पास नहीं है, अब ये कौन से बिलों से निकाल के ले आ रहे हैं, अरे आतंकवादी देश हो भैया ये मान लो, और खुद भी परेशान हो रहे, दूसरी दुनिया को परेशान कर रहे हो। हाँ बता रही हूँ। और इंदौर है ना ये स्वच्छता अभियान में इंदौर पहला नंबर मार दिया है इस बार, बहुत उम्दा मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मैं भोपाली के भाइयों से कह रहा हूँ भैया ये पिच करना बंद कर दो, ये कहीं भी मार देते हो यार, भोपाल पीछे रह जाता है इस चक्कर में, कहीं भी कचरा फेंक दिया, पान के आगे ढूंक दिया, बीड़ी सिगरेट फेंक दी, ये चल के रहा बता रहा हूँ। शहर की अपने अपनी शहरों की चिंता करो, सब स्वच्छ हो जाएंगे, सभी नंबर बनाएंगे बता रहा हूँ। हाँ आखिर में भैया एक शेर सुन लो, बम 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 भोले वो आतंकवादी ठिकानों पर बरसा दो गोले, मैं भी जा रहा हूँ बरसाने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।